हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर से। जिला चिकित्सालय में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में ही जिला CMHO द्वारा मरीजों का परीक्षण किया जा रहा था, जिसकी पर्ची बाहर एक मेडिकल से कटाई जा रही थी। इस गोरख धंधे की जानकारी मिलने पर यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक मंदसौर CMHO कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच किए जा रहे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि मेरे साथ मीडिया साथी उपस्थित रहे। मीडिया के समक्ष शामगढ़ से आए मरीजों ने बताया कि वह इलाज कराने ही CMHO डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा के पास आए हैं। यह एक गोरख धंधा है। साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक ने कहा कि मेरे जिला कलेक्टर को मामले में संज्ञान करवाया है और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों अफसरों से इस मामले में निष्पक्ष जांच एवं प्रभावी कार्रवाई की मांग भी करूंगा। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मोरे की।